हेलो बच्चों, मैं सुनीता SDS विद्यापीठ से। SDS विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके नर्सरी की कक्षा में और हिंदी के विषय में हम सीखेंगे वर्ण घ के बारे में। किसके बारे में? घ के बारे में। घ, घ से घर वाला घ। घ किसके बाद आता है बच्चों? ग के बाद। वर्ण ग के बाद। किसके बाद? वर्ण ग के बाद। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ण है? घ, घ से घर वाला घ। आज हम सीखेंगे घ के बारे में और घ से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में और उनके अर्थ भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ इसे ज़रूर दोहराइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घ, घ से घर। क्या है बच्चों? घ, घ से घर। यह क्या है? घर, जिसमें हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या होता है? हमारा घर होता है। तो ये क्या है? घ से घर। घ, घ से घड़ी। घड़ी, घड़ी। यह क्या है? घड़ी, जिसमें आप समय देखते हैं। ठीक है, और हर समय पे किसी किसी घड़ी में जो है घंटियां भी बजती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि इतना समय हो चुका है। घड़ी में भी बहुत सारे तरह की घड़ी मिलती हैं बच्चों। एक होती है दीवार घड़ी और एक होती है कलाई पे पहनने वाली घड़ी, जिसे हम रिस्ट वॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाई घड़ी को रिस्ट वॉच। और एक होती है दीवार घड़ी, जिसे हम वॉल क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वॉल क्लॉक, यानी दीवार पे लगाने वाली घड़ी। और जो रिस्ट वॉच होती है, जो कलाई घड़ी होती है, उसमें भी दो तरह के और तीन तरह के जो है घड़ियां मिलती हैं, जैसे जो पुरुषों की घड़ी होती है और महिलाओं की घड़ी, यानी जेंट्स और लेडीज़ और बच्चों के लिए। तीनों वेराइटीज़ अलग अलग होती हैं। तो ये क्या है बच्चों? घड़ी है, जिसमें हम समय देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है घ से घड़ी। क्या है बच्चों? घड़ी। अगला है घ से घड़ा। यह क्या है बच्चों? घ से घड़ा, यह क्या होता है? मिट्टी का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? मिट्टी का बना हुआ होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? घड़ा। इसे हम पानी भर के रखने के लिए यूज़ करते हैं, या तो फिर घर में कोई अनाज हो तो उसे भर के रखने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये पानी के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें रखे हुए पानी को पीना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और पानी भी जो है वो काफ़ी समय तक ठंडा होता है। ठीक है बच्चों, अगला है घ से घोड़ा। क्या है? घोड़ा। यह क्या है? घोड़ा। घ से घोड़ा। घोड़ा आपने फिल्मों में देखा होगा, या कभी आपने सड़कों पर देखा होगा, रथ आते जाते उनमें क्या लगे होते हैं? घोड़े लगे होते हैं, जो कि एक शौक की तरह लोग घोड़ों के रथ पर सवारी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? घोड़ा, जो कि बहुत तेज़ दौड़ता है, और तेज़ दौड़ने के लिए घोड़ा जाना जाता है। और घोड़ा क्या खाता है बच्चों? घोड़ा खाता है चना। क्या खाता है? चना खाता है। ठीक है, तो बच्चों चलिए एक बार हम इन शब्दों को फिर से दोहरा लेते हैं। घ, घ से घर। घ, घ से घड़ी। घ, घ से घड़ा। घ, घ से घोड़ा। अब बच्चों हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पर एक छोटी सी कविता आपके लिए दी गई है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये देखिए, ये है आज की कविता, जो कि बहुत ही अच्छी है। हम लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ इसे ज़रूर दोहराइए। मेरा घर है सबसे सुंदर। मेरा घर है सबसे सुंदर। रहता हूँ
मैं उसके अंदर रहता हूँ। मैं उसके अंदर, ठीक है बच्चों, मेरा घर है सबसे सुंदर। मेरा घर है सबसे सुंदर, रहता हूँ मैं उसके अंदर। तो बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो घर होता है वह सबको प्यारा होता है, क्योंकि उसमें, उस घर में सभी लोग रहते हैं, जैसे मम्मी पापा भैया दीदी या भाई बहन जितने भी लोग हैं, दादा दादी, सब लोग वहाँ मिलकर रहते हैं और सबके साथ हंसी खुशी से सब लोग रहते हैं, और उसी के अंदर आपको चैन से नींद भी आती है, यानी अच्छी नींद आती है। घर के अंदर आप सुरक्षित महसूस करते हैं, और कहीं बाहर अगर आप हो तो आपको सुरक्षित नहीं लगता है। घर ही ऐसी जगह है जहां आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, और उन लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि वह अपने घर के लोग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें यही बताया गया है, रहता हूँ मैं उसके अंदर, यानी घर में मैं रहता हूँ, मेरा घर है सबसे सुंदर। ठीक है, सब अपने घर को सुंदर मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे अच्छे से कविता की तरह पढ़ लेते हैं। मेरा घर है सबसे सुंदर, मेरा घर है सबसे सुंदर, रहता हूँ मैं उसके अंदर, रहता हूँ मैं उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको आज जो मैंने पढ़ाया है वह समझ आया होगा। एक बार हम यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। घ हमने पढ़ा है, घ से घर वाला घ। घ के बाद आता है अंग। क्या आता है बच्चों? अंग आता है, यह वर्ण। ठीक है बच्चों, यह कौन सा वर्ण है? यह है अंग। अंग से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? अंग वर्ण से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस वर्ण से जुड़ा कोई भी शब्द या फिर कोई भी जो पिक्चर है, यानी कि चित्र है, आकृति है, कोई भी आकृति नहीं दी गई है, क्योंकि इस वर्ण से, जैसे यहाँ पर हमने अभी घ पढ़ा है, तो घ से घोड़ा हो गया, घ से घड़ी हो गया, उस तरीके से अंग से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है जिसे हम पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो यह ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, यह तो शब्दों के अंत में आता है, तब हम इसे पढ़ पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे, घ, घ से घर वाले घ के बाद आता है अंग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले वर्ण के साथ। तब तक लिए आप इन शब्दों को ज़रूर पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।